हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहां पर आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी हां दोस्तों, यहां पर मैं आप सभी को बता दूं कि आपका इंडियन कोस्ट गार्ड में जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, इसमें आप सभी के लिए बहुत बड़ी भर्ती आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सभी के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 8 सितंबर से इसके ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो आपकी लास्ट डेट है वो 22 सितंबर 2023 है। तो 22 सितंबर से पहले पहले आपको इसका आवेदन कर देना होगा, वरना आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसमें यहाँ पर आपका बताया हुआ है कि यहाँ पर नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आप 10th पास होने चाहिए। अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी बोर्ड, किसी भी कॉलेज, किसी भी स्कूल से 10वीं पास कर ली है, 10th पास कर ली है, तो आप यहाँ पर नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी यहाँ पर पोस्ट है नाविक जनरल ड्यूटी। तो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए आप 12th पास होने चाहिए। अगर आपने 12th पास कर रखी है तो यहाँ पर आप नाविक जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 12th आपने मैथ और फिजिक्स के साथ अप्लाई की हो तभी आप नाविक जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने 10th पास कर रखी है तो आप नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बताया हुआ है। तो साथियों इस तरीके से यहाँ पर आपकी जो है कोस्ट गार्ड में वैकेंसी निकली है। तो अब यहाँ पर देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एज लिमिट के बारे में। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 22 साल होनी चाहिए। तो 18 से 22 साल के बीच अगर आपकी एज लिमिट है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2002 से 30 अप्रैल 2006 के बीच में है तो आप इसके लिए आवेदन आसानी से कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। और बात करें एज में रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पर एससी एसटी को 5 साल का और ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन एज में दिया जाएगा। तो यहाँ पर एससी एसटी और ओबीसी वालों को एज में पूरा रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। तो अब दोस्तों बात करते हैं टोटल वैकेंसी की। तो यहाँ पर नाविक जनरल ड्यूटी की जो टोटल वैकेंसी हैं वो 260 हैं, नाविक डीबी की डोमेस्टिक ब्रांच की हैं 30, यांत्रिक मैकेनिकल की 25, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की 20 और यहाँ पर यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की 15 पोस्ट हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़ आई हुई हैं। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब आप इसका ऑनलाइन आवेदन फिल कर दोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेप 1 में एग्ज़ाम देने जाना होगा। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। इसका यहाँ पर पूरा जो है मैं आपको सिलेबस बता दूंगा, अलग वीडियो में बना दूंगा। अगर आप कहोगे आप हमें कमेंट में बता देना इसका सिलेबस मैं अलग बनाऊं या नहीं बनाऊं, तो यहाँ पर इसका सिलेबस की मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। तो दोस्तों जब आप इसके एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं उसके बाद आती है स्टेज 2। स्टेज 2 में दोस्तों आपको फिजिकली फिटनेस टेस्ट आपका लिया जाता है, जिसमें आपकी रनिंग वगैरह करवाई जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपकी फ़िजिकल में होती है। तो फिजिकल के बाद आपका थर्ड यहाँ पर होता है आपका दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मेडिकल टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल टेस्ट में आपका जो है फुल बॉडी का मेडिकल करवाया जाता है और आपको चेक किया जाता है कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी तो नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो है मेडिकल हो जाने के बाद यहाँ पर आपकी फ़ाइनल जो है मेरिट लिस्ट लगती है। फाइनल मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जी जो है आपको यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई ही करना होगा। 22 सितंबर से पहले आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरकर जमा कर देना होगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, वरना आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस तरीके से सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको चाहिए होंगी। 10th पास अगर आपने कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं एग्ज़ामिनेशन फ़ीस। तो ₹300 आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस दोस्तों यहाँ पर लगेगी। तो ₹300 आपकी फ़ीस यहाँ पर लगने वाली है। और दोस्तों बात करें यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो इसके लिए ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकती। केवल मेल कैंडिडेट के लिए ही वैकेंसी आई हुई है।
तो साथियों यहाँ पर मैंने इसकी कंप्लीट जानकारी आपको दे दी है, तो इससे जुड़ी सभी जानकारी मैं आपको बताता रहूँगा बिल्कुल सही समय पर। यहाँ पर आप सबसे पहले इसका फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद मैं आपको फिजिकल के बारे में बताऊँगा, इसके एग्ज़ाम के बारे में नॉलेज दूंगा। तो ये सभी चीज़ें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।